राजस्थान के अलवर में कथित गौरक्षकों के हमले में जिस पहलू खान की मौत हुई थी, वह एक मुसलमान की मौत थी या एक किसान की? केंद्र और राज्यों में बैठी भाजपा भले ही इसे एक अल्पसंख्यक की मौत मानकर कोई भी कार्रवाई करने को तैयार ना हो, पर देश भर के किसान ऐसा नहीं मानते। इसलिए किसान सभा के बैनर तले बुधवार को हरियाणा के जयसिंहपुरा गांव में सामाजिक न्याय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां देश भर के किसानों ने पहलू और उसके साथ घायल हुए साथियों के लिए दिल खोलकर आर्थिक मदद दी। इस मदद के साथ ही किसानों ने यह संदेश भी दिया कि अगर सरकार अपना दायित्व भूल जाए, तब भी वे अपनी एकता के साथ अपनी रक्षा करने में सक्षम है। सम्मेलन में किसान सभा के महासचिव हन्ना मौला ने किसानों की ओर से दी गई राशि पीड़ित परिवार को दी। इसमें पहलू के परिवार को 10 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायल के परिवार को 4 लाख रुपए दिए गए। इस रकम में 1,71,000 रुपए डेमोक्रेटिक वुमेन राइट्स नेटवर्क की ओर से भी दिए गए थे। आमतौर पर ऐसी घटनाओं पर राजनीति गर्म हो जाती है, पर यहाँ कोई नहीं आया। सरकार ने किसी तरह के मुआवजे की घोषणा नहीं की, न ही नामजद लोगों को गिरफ्तार किया गया। अलबत्ता सरकार ने पहलू खान और उसके साथियों पर जरूर गौ तस्करी का मामला दर्ज कर लिया। ऐसे में पहलू के समर्थन में देश भर के किसान सड़क पर उतरे और पहलू के लिए इंसाफ की मांग के साथ ही पीड़ित परिवारों को आर्थिक मदद भी दी। इस दौरान किसान सभा के महासचिव हन्ना मौला ने सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि आत्महत्या कर रहे किसानों के लिए पशुपालन सबसे बड़ा सहारा था, उसे भी सरकार छीन रही है। एक तरफ गौरक्षा के नाम पर तमाम कानून बनाए जा रहे हैं, दूसरी तरफ कथित गौरक्षक किसानों पर हमला कर रहे हैं। वहीं डेमोक्रेटिक वुमेन राइट्स नेटवर्क की सबा फारूकी ने इस मामले को सरकार की असफलता करार दिया। सम्मेलन में मौजूद किसान नेता पी कृष्ण प्रसाद ने आरोप लगाया कि सरकार हाथ पर हाथ रखकर बैठी है और अपराधियों को संरक्षण दे रही है। तो पहलू खान के लिए न्याय की मांग को लेकर किसान एकजुट हुए और सरकार को चुनौती देते हुए पहलू खान की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाए। साथ ही साथ सरकार के रवैये पर कई सवाल भी खड़े किए। देखते रहिए डीबी लाइव।